द मैसेज न्यूज में स्वागत है। आज के खबरों के साथ मैं नवेद आलम। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। झारखंड के विधानसभा चुनाव महागठबंधन जीतने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अब भाजपा की हार होगी, क्योंकि उन्होंने देश में लोगों को बांटने और असल मुद्दे से हटाने की राजनीति की है। वही MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, मुबारकबाद देना चाहूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर्स को, खासतौर से जनाब शिबू सोरेन साहब को, हेमंत सोरेन साहब को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो झारखंड की आवाम ने उनको जो कामयाब किया वो उन तमाम उम्मीदों पर उतरेंगे, और मैं अपनी जानिब से उनको फिर से मुबारकबाद देता हूं। और मैं खासतौर से झारखंड की उस आवाम का, उस जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी के हक में वोट दिया है। CAA और NRC का विरोध लगातार जारी है। वहीं बिहार के मोतिहारी में NRC और CAA के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। वहां पर 36 सामाजिक संगठनों ने वहां मिलकर आज सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी की और इस काले कानून को वापस लेने की बात कही। पूर्णिया के अमोर और बैसी में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा NRC और CAA के विरोध में आम सभा को संबोधित किए। वहां अपने पंडित से हिंदू और मुसलमान भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों, दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, तुम्हारे पास के कागज नहीं है। कल जो तुमको सपना दिखा दिया गया है कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट इनका रख दिया जाएगा, इस गलती में मत रहो। उसके साथ एक पेचीदगी लगा दी गई है कि ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो लोग अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किए गए हैं। तो धार्मिक तौर पर प्रताड़ित तुम तो यहाँ के हो, तो तुम कहां से वो सर्टिफिकेट लेकर आओगे? और जो लोग इस गुमान में है वो भी कल लाइन में खड़े रहेंगे। जब नोटबंदी का मामला हुआ था तो क्या भाजपा को वोट देने वालों को भी खड़ा होना पड़ा था कि नहीं होना पड़ा था? यकीन जानो, ये काला कानून अगर रह गया तो सबको लाइन में खड़ा करके छोड़ेगा और देश के इस टुकड़ों को देखकर इमरजेंसी लागू करके ये मोदी हिंसक बनने की कोशिश करेगा। लोकतंत्र में हिंसक बनने की इजाजत नहीं देंगे और लड़कर इस काले कानून को बदल देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मिलजुल कर रहे तो बिहार की इज्जत और बढ़ेगी। बिहार मॉडल का चर्चा देश और दुनिया में हो रहा है। वहीं बिहार के कामों से केंद्र भी अपना योजना बना रही है, जैसे घर घर बिजली और घर घर जल और घर घर नल योजना। द मैसेज न्यूज में डेली न्यूज खबर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। कैसा लग रहा है आपको डेली न्यूज, इसका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। तब तक कल के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।